नमस्कार। मोहन प्रकाश जी, पृथ्वीराज चौहान जी, मानिकराव ठाकरे जी, जोगिंदर कवारे जी, नामदेव हुसैनी जी, विजय वर्धित तिवार जी, अनंत राव गेदाम जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ठाकरे जी, आपने बहनों को आज थोड़ा पीछे बैठा रखा है, अगली बार इनको आगे बैठाना, सही बात है ना? इनको महिलाओं को सब जगह आगे बैठाना है, लोकसभा में, विधानसभा में आगे बैठाना है, पार्टी में आगे बैठाना है और मीटिंग में भी आगे बैठाना है। देखिए, ये महाराष्ट्र वीरों का प्रदेश है। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, इन सब की ये कर्मभूमि है। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, जिसको बीजेपी के लोग मिटाना चाहते हैं, जो अखबारों में कहते हैं भाई हम कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं, वो इन सब वीरों की विचारधारा है। विचारधारा क्या है? ये है कि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो सबको मिलकर प्यार से आगे ले जाना है। विपक्ष की विचारधारा भी आपको बता देता हूं, उनकी सोच है कि एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाओ, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, राजनीति में गुस्सा करो, करवाओ, लड़ाई करवाओ और वोट निकालने की कोशिश करो। अब देखिए, 2004 में इन्होंने ये कोशिश की थी, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा इन्होंने लॉन्च किया था ऊपर की ओर, आपको याद होगा, हिंदुस्तान चमक गया है। और 2004 में हमारे जो आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, किसान भाई हैं, गरीब भाई हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, सबके सब ने इनको कहा कि देखिए, ये जो आपका चमकता हुआ हिंदुस्तान है, हमें यहां नहीं दिख रहा है, ये शायद आपके घरों में चमक है, आपकी गाड़ियों में चमक है, मगर हमारे घरों में, हमारे दिल में चमक नहीं है। हमें आपकी सरकार नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। और 2004 में आपने हमें चुनाव जिताया, ये फिर गए वापस। 2009 में फिर से नया गुब्बारा निकाला, इंडिया शाइनिंग फिर से चालू हो गए कि भैया हिंदुस्तान को बदल देंगे। मगर अगर आप इनके भाषण सुनते तो इनके मुंह से गरीब शब्द नहीं निकलता है। आप कभी जब इनके भाषण सुनेंगे, एक बार ये गरीब शब्द का प्रयोग नहीं करते, एक बार ये कमजोर शब्द का प्रयोग नहीं करते। इनके लिए राजनीति का मतलब उद्योगपतियों की राजनीति, हमारे लिए राजनीति का मतलब आम गरीब आदमी की राजनीति, आदिवासी की राजनीति, दलित की राजनीति, कमजोर लोगों की राजनीति, यह फर्क सीधा है। और यह फर्क सिर्फ स्टेज पे नहीं दिखता है, आप हमारे जो भी योजनाएं, आप उनको देख लीजिए, चाहे वो मनरेगा हो जिससे हम करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, चाहे वो आदिवासी बिल हो जिससे हम आदिवासी भाइयों को जमीन का हक देते हैं, चाहे वो जमीनी अधिकरण बिल हो जिससे हम किसानों को, कमजोर लोगों को जमीन का हक देते हैं, चाहे वो आरटीआई हो जिससे हम सूचना का अधिकार देते हैं, जो भी हमारा काम है, आपको शक्ति देने का काम है। सोच फर्क है, उनकी सोच है कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान को बदल सकता है, हमारी सोच है कि हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान की गरीब जनता,
हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान के आदिवासी लोग बदल सकते हैं। और हमारी सोच है, जितनी हम शक्ति आपको देंगे, जितनी तेजी से शक्ति हम आपको देंगे, उतनी तेजी से हिंदुस्तान बदलेगा। जितना हम हक आपको देंगे, उतनी तेजी से हिंदुस्तान आगे जाएगा। इनकी सोच है, जितनी शक्ति एक व्यक्ति को मिलेगी, उतनी तेजी से हिंदुस्तान आगे जाएगा। यह फर्क है। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासियों के लिए काफी काम किया है, हमने भी, दिल्ली की सरकार ने भी काफी काम किया। आदिवासी बिल के बारे में आपको कहा, जमीन अधिकरण बिल के बारे में कहा, सोच कहां से आई? न्यामगिरी में आपकी जमीन आपसे छीनी जा रही थी, आदिवासियों की जमीन आपसे छीनी जा रही थी। मैं न्यामगिरी गया और वहां युवाओं से बात की और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, छोटा सा सवाल था। उन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी एक बात बताइए, अमीर व्यक्ति से जमीन, जब अमीर व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है, जब गरीब आदिवासी की जमीन होती है या किसान की जमीन होती है तो हमें वो हक क्यों नहीं मिलता? युवा ने मुझसे पूछा और आपको हमने जमीनी अधिकरण बिल के माध्यम से वो हक दिया। यहां पे ग्राम सभाओं को जो आपका बैंबू है उसको काटने का और बेचने का हक दिया। यहां पहला कोऑपरेटिव उसेंडी जी ने बनाया और पहली बार फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी दिलवाई। आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जंगल के प्रोड्यूस का हक उनको देना है और नंबर दो पे सड़कें बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है और गढ़चिरौली को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ना है। और आपके बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा का हक देना है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में जगह देनी है, तभी आदिवासी वर्ग आगे बढ़ेगा। मैंने रेलवे लाइन की, रोड की बात की, 130 सड़कें तकरीबन 600 किलोमीटर पीएमजीएस माय में यहां बनाई गई। वाटसा देसाईगंज गढ़चिरौली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गढ़चिरौली डेवलपमेंट अथॉरिटी शुरू की। पिछले 10 सालों में यूपीए की सरकार ने गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया। इस बात को विपक्ष के लोग भी मानते हैं, जब वो पार्लियामेंट में बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार गरीबों पे इतना पैसा जाया क्यों करती है, मनरेगा पे क्यों जाया करती है, भोजन के अधिकार पे क्यों जाया करती है। जब गरीबों की बात होती है तो विपक्ष कहता है पैसा जाया हो रहा है। पैसा जाया नहीं होता है, गरीबों को जो हम शक्ति देते हैं तो हिंदुस्तान का भविष्य मजबूत होता है, हिंदुस्तान का भविष्य बनता है। तो आने वाले 5 साल में जब यहां हमारी यूपीए की सरकार आएगी, तीसरी सरकार आएगी, तो जो हमने गरीबों का अधिकार दिया है वो हम और मजबूती से देंगे। रोजगार का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, अब हम आपको स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं। जो आपको दवाइयों की मुश्किल पड़ती है, अस्पतालों में आपको मुश्किल पड़ती है, अब हम आपको अधिकार देने वाले हैं कि जो भी गरीब हो उसको अस्पताल में और दवाइयों का अधिकार मिले। और सिर्फ स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, हम आपको छत भी देने वाले हैं, छत का अधिकार भी हम आपको देने वाले हैं आने वाले समय में। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। ये छोटा काम नहीं, पहली बार हिंदुस्तान में इतने लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया है। और अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है जो गरीबी रेखा के ऊपर है और मिडिल क्लास के नीचे है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बढ़ई का काम करते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो चौकीदार हैं, जो इस देश को रोज आगे बढ़ाते हैं, जो ठेला चलाते हैं,
जो सड़क पे पटरी पे माल बेचते हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये गरीबी रेखा से ऊपर है मगर मिडिल क्लास के नीचे 70 करोड़ लोग। इनको मैं कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो आएगी वो सिर्फ गरीबों की नहीं होगी, वो आपकी भी होगी, 70 करोड़ लोगों की होगी। और हम आपको, आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे और रोजगार देंगे। रोजगार कैसे देंगे? दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हमने एक कॉरिडोर बनाया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वहां हमने सड़कें बनाई हैं, रेलवे लाइन बिछाई है, बिजली और पानी का साधन दिया है। वहां पे अब आने वाले महीनों में, सालों में हजारों उद्योग जाएंगे। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो यहाँ युवा आया है, इन कॉरिडोर में आपको लाखों रोजगार मिले, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आजकल जो फैक्ट्रियां चीन में लगती हैं, जो घड़ियां चीन में बनती हैं, जो कैमरा चीन में बनते हैं, जो जूते चीन में बनते हैं, मैं चाहता हूं कि वो सब माल यहाँ हिंदुस्तान में बने और जो हमारा युवा है उस माल को बनाए और उनको इससे फायदा मिले, रोजगार मिले। तो इस कॉरिडोर से जो हमने तैयार किया है, करोड़ों युवाओं को फायदा होने वाला है। महिलाओं की थोड़ी बात करना चाहता हूं। यहाँ महिलाएं हैं, मैंने कहा कि भाई आपको आगे बैठना चाहिए, पीछे नहीं, अगली बार ठाकरे जी आपको आगे बैठाएंगे और विधानसभा लोकसभा में भी हम आपको आगे बैठाना चाहते हैं। लोग सुपर पावर की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा, 50% महिलाएं हैं, जब तक इनको हमने जगह नहीं दी ये देश कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। तो इनको जगह, राइट, तो इनको जगह देनी है। महिलाओं के लिए हमने आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में रखा, उसको रोका किसने? विपक्षी दलों ने। उस बिल को हम पास करके दिखाएंगे आने वाले समय में। आपने 12 सिलेंडर की मांग की, मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, सोनिया जी के पास गया और 2 मिनट में उन्होंने कहा कि भैया अगर हमारी बहनों ने 12 सिलेंडर मांगे हैं तो 12 सिलेंडर हिंदुस्तान की सरकार इनको दे के दिखाएगी, और हमने उसको किया। आने वाले समय में 2000 महिला पुलिस स्टेशन हम ला रहे हैं, क्रिमिनल लॉ बिल को हम इवेंट कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम समूह के माध्यम से बैंक से जोड़ेंगे। तकरीबन 7 लाख समूह और 513 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में महिलाओं को दिया जाता है। इसको हम और ज्यादा पैसा हम महिलाओं को देंगे कि आपको भी शक्ति मिले और आपसे हिंदुस्तान को भी शक्ति मिले। अंत में मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। किसान के बिना इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। किसान देश को भोजन देता है, रोज अपना पसीना और अपना खून देता है। कुछ महीने पहले यहाँ सूखा पड़ा था, आपको कठिनाई हुई, और कुछ दिन पहले यहाँ पे ओला पड़ा था, महाराष्ट्र में ओला पड़ा था और किसान को कठिनाई हुई। खुशी से कहना चाहता हूँ कि 800 करोड़ रुपए हम उस नुकसान के लिए आपको कॉम्पेंसेशन में, किसानों को कॉम्पेंसेशन में दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार किया है, जिसके माध्यम से 250 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा, और 20,000 करोड़ रुपए का ड्राई लैंड एग्रीकल्चरल मिशन, जिससे 100 लाख एकड़ हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। यूपीए सरकार ने भी कम काम नहीं किया, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए कर्जा माफ करके, लैंड एक्विजिशन बिल जिसकी मैंने बात की वो आपको दिया, एमएसपी को 3 गुना बढ़ाया 10 साल में, और रिटेल में आपको एफडीआई दिलवाया। जैसे मैंने कहा, हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, आम आदमी गरीब आदमी की सरकार चलाते हैं, और ये आदिवासी इलाका है, यहाँ हमारे दलित भाई हैं और गरीब किसान भी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं,
कि अगर सरकार आएगी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की यूपीए की तो आपकी सरकार होगी। जो आप हमें कहोगे वो हम करेंगे, और जो आपको जिंदगी में कठिनाई मिल आती है, जो आपको शिक्षा की कमी होती है, स्वास्थ्य की कमी होती है, वो सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, वो मेरी लड़ाई है, वो सोनिया जी की लड़ाई, वो चौहान जी की लड़ाई, वो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, इसको आप मत भूलिए। हमारे ऊपर आक्रमण होता है, लोग कहते हैं कि ये गरीबों की बात करते हैं, कमजोर लोगों की बात करते हैं, हम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर देश में प्रगति आई है तो आप लोग लाए हो, गरीब जनता लाई है, कमजोर लोग लाए हैं, ये महिलाएं लाई हैं, और हम आपको कभी नहीं भूलने वाले हैं। जो भी हम करेंगे आपके लिए करेंगे। हम इस बात को पहचानते हैं कि उद्योगपतियों की जरूरत है, उद्योगों की जरूरत है, और उनकी उनके लिए हम काम करते हैं, उनकी हम उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उनके लिए हमने लिबरलाइजेशन किया और आने वाले समय में भी उनकी मदद करेंगे। मगर हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सच्ची शक्ति आप लोगों में है, और हम आपको कभी नहीं भूलने वाले। और आदिवासी भाई आप सुन लो, आप सुन लो, पुराना रिश्ता था मेरे परिवार का और आपका, और इस रिश्ते को मैं गहरा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में मैं आपकी महिलाओं से बात किया, जो तेंदू पत्ता होता, अरे भाई ठहर जाओ भैया, ठहर जाओ यार, अभी हेल्प करेंगे तुम्हारी, एक सेकंड। जो आदिवासी हमारा वर्ग है, आप इस बात को मत भूलो, पुराना रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, और जो भी आप चाहते हो मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। या ठिकाणी आजच्या या प्रचार सभेला उपस्थित असलेले अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष, सगळ्या युवकांचे आशास्थान आदरणीय राहुल गांधी साहेब या ठिकाणी आले, त्यासोबतच त्यांच्यासोबत